हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एचएल पीपीटी पलामू। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी वायरिंग बताने जा रहे हैं जिसका नाम है गोडाउन वायरिंग। इस वायरिंग में यह होता है कि जैसे आप गोडाउन का नाम सुना होगा, कोल्ड स्टोर का नाम तो वैसे सुना होगा आपने, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे सामानों को स्टोर करके रखा जाता है, वहां पर इस प्रकार की वायरिंग की जरूरत होती है। तो आइए सीखते हैं हम आज गोडाउन वायरिंग, ठीक है। गोडाउन वायरिंग, हाँ दोस्तों, गोडाउन वायरिंग इसमें क्या होता है कि हमें गोडाउन के अंदर जाना होता है और गोडाउन से बाहर भी आना होता है। तो इस प्रकार की जो वायरिंग होती है उसमें जहां पर हम खड़े होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम किसी भी प्रकार की गोडाउन के बाहर खड़े हैं, दरवाजे के पास खड़े हैं या उसके अंदर जाने वाले हैं, तो हमें स्विच को ऑन ऑफ करना होता है और जहां पर हम खड़े होते हैं वहां पर एक स्विच लगा होता है और उस स्विच को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो हमारा आगे आने वाले जो रास्ते होते हैं वहां पर बल्ब आसानी से जल जाते हैं। तो आइए सीखते हैं गोडाउन वायरिंग और देखते हैं कि कैसे ये वायरिंग काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम गोडाउन वायरिंग में जो हम बताने जा रहे हैं उसमें कितने सामग्री की जरूरत पड़ेगी, पहले उसका एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले सामान लगेगा मेरा वायर, ठीक है। वायर कॉपर का होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद मेरा लगेगा वन वे स्विच, वन वे स्विच। तीसरा नंबर में जरूरत पड़ेगा टू वे स्विच का। हमने टू वे स्विच का पिछला क्लास में जब बताया था वायरिंग उसमें उसका इंपोर्टेंस बताया था कि क्या होता है टू वे स्विच, तो वही टू वे स्विच का आज हम इसमें उपयोग करेंगे। टू वे स्विच, टू वे स्विच इसमें हम तीन प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों। कितने? तीन। इसके बाद आएगा लैंप, लैंप कितने लगाएंगे हम? चार लैंप लगाएंगे, मतलब हमारा जो गोडाउन है वो चार जगह रोशनी करेगा, ठीक है ना। तो इतने सारे सामान हमको चाहिए और हम गोडाउन वायरिंग बना सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। ये मेरा वायर, जैसा कि मैंने हर बार न्यूट्रल वायर पहली बार लेते हैं, यहां मेरा एक बल्ब लगा रहेगा, ठीक। इसके बाद एक बल्ब मेरा लगा रहेगा यहां पर, ठीक। इसके बाद एक बल्ब यहां लगा रहेगा और इसके बाद एक बल्ब मेरा यहां लगा रहेगा। ठीक है, चारों बल्ब लग गए। अब मैं इसमें फ्लेक्स की वायर कनेक्शन करने जा रहा हूं। ये पॉइंट मेरा फेज है और ये पॉइंट मेरा न्यूट्रल का है दोस्तों। ठीक। इसके बाद अब न्यूट्रल का तो वायर देखिए, यहां से मैं एक वायर लूंगा और इसमें लाकर के कैसा कनेक्शन कर दूंगा। इसके बाद फिर यहीं से न्यूट्रल वायर आया, फिर यहां कनेक्शन हो गया। इसके बाद फिर यहीं से न्यूट्रल वायर आया और इसका कनेक्शन यहां हो गया, ठीक है। इसके बाद अब सभी लैंप में न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब मेरे पास जितने भी कनेक्शन रहेंगे वो सिर्फ ओनली ओनली फेज के रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर हम एक स्विच बनाते हैं, वो स्विच वन वे स्विच है, ठीक है, वन वे स्विच। इसके बाद बताना जा रहे हैं टू
ये टूवे स्विच है दोस्तों, इसके बाद एक और टूवे स्विच हम यहां लगा रहे हैं। मैंने कितने टूवे स्विच लेने के बारे में बोले हैं? तीन। हम तीन टूवे स्विच को लेंगे। ये हो गया एक, यहां टूवे स्विच रहेगा मेरा। इस तरह से मैंने टूवे स्विच का बना लिया है। अब देखिए यहां से वायर आएगा और इस टूवे स्विच के कनेक्शन में लग जाएगा, ठीक। इसके बाद नीचे से एक वायर आएगा और यहां वायर लग जाएगा। इसके बाद फिर नीचे से आएगा ऐसे, फिर यहां करके इस प्रकार इसमें कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब टूवे स्विच के जितने भी पॉइंट्स थे, एक दो तीन चार, चारों स्विच में मेरे पास फेस का कनेक्शन आ गया। अब हम इसके बाद सभी लैंप में फेज वायर का कनेक्शन करेंगे। एक मेरा लैंप यहां है, यहां कनेक्शन लाऊंगा मैं, इसमें कनेक्शन कर दिया इस टूवे स्विच में, फिर यहां से कनेक्शन लाऊंगा, यहां कनेक्शन हो गया, फिर यहां से कनेक्शन लाया और यहां कनेक्शन हो गया। इसके बाद एक लैंप मेरा बच गया और इसका कनेक्शन यहां हो गया। अब जाकर मेरा ये वायरिंग कंप्लीट। अब मैं आपको बताऊंगा ये वायरिंग कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए समझते हैं इस वायरिंग के बारे में कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले देखिए मैं इसमें जो कैसे कैसे ये जो न्यूट्रल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। यहां से देखिए न्यूट्रल वायर आया, हर एक लैंप के पहले वाले पॉइंट में न्यूट्रल का कनेक्शन चला गया है, ठीक है। इसके बाद यहां से मेरा फेज वायर आया और फेज वायर आया और स्विच के पॉइंट में लगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ा फेज, यहां फेज आया, फिर मैंने यहां से बल्ब के दूसरे वाले पॉइंट्स में इसका कनेक्शन किया। इसके बाद दूसरे बल्ब, तीसरे बल्ब और यहां से होते हुए चौथा बल्ब में इसको कर दिया और यहां से नीचे चला करके यहां पॉइंट्स में बीच में, और टूवे स्विच में तीन पॉइंट्स होते हैं ना, तो यहां से लगा के बीच में और यहां से लगा के बीच में दे दिया। अब बता दें इसे काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम इस जो ये जो टूवे स्विच वन वे स्विच जहां पर है दोस्तों, इस वन वे स्विच के पास हम खड़े हैं, ठीक, और सभी टूवे स्विच का नोब ऊपर की ओर किया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर की ओर नोब किया हुआ है, ठीक। अब हम यहां पर खड़ा है, देखिए हम यहां से खड़ा होकर के स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, इस वन वे स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो क्या होगा कि यहां से फेज आगे बढ़ेगा और जब ये टूवे स्विच का नोब ऊपर की ओर किया हुआ है तो फेज चला जाएगा ऊपर, इस लैंप में फेज पहुंच जाएगा और मेरा ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। इस जगह हम खड़े रहेंगे तब भी मेरा ये बल्ब जल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब जब हम यहां पर आ गए मतलब इस बल्ब की रोशनी से हम रोशनी प्राप्त कर लिए, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, हमें गोदाम के अंदर तक जाना है, मेरा सामान गोदाम के सबसे अंदर रखा हुआ है, हमें यहां तक जाना है, ठीक है। तो हम अब यहां आ गए, हमें इस बल्ब की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमें अब आगे जाना है। तो क्या करेंगे, इस स्विच को जो नोब ऊपर की ओर किया हुआ है ऐसे, उसको हम निकाल देंगे नीचे, यानी कि इस तरह कर देंगे, स्विच के नोब को नीचे कर देंगे। तो क्या हो रहा, जो फेज यहां तक आ रहा था अब यहां से नीचे करने के बाद फेज यहां जाएगा और फेज इस पॉइंट में पहुंच जाएगा, ये टूवे स्विच का नोब ऊपर की ओर किया हुआ रहेगा तो मेरा ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये बल्ब जल गया, इसके बाद हम यहां खड़े हैं इस पॉइंट पर तो मेरा ये बल्ब जल गया। देखे ना दोस्तों आप, मेरा ये बल्ब जला ना। इसके बाद हम यहीं पर खड़े हैं इस जगह पर, इसके बाद मेरा ये बल्ब जल गया।
अब हमें आगे जाना है, हम इस बल्ब तक पहुंच गए, ठीक, मैंने इस बल्ब की रोशनी प्राप्त कर ली, अब हमें आगे जाना है, आगे बल्ब को चलाना है। तो हमें देखिए इस स्विच के नोब को नीचे की ओर करना होगा, नीचे की ओर करेंगे तो फेज यहां तक आएगा और यहां से होते हुए इस पॉइंट तक आ जाएगा, ये नोब ऊपर की ओर किया हुआ रहेगा दोस्तों, तो मेरा ये बल्ब भी जल जाएगा। कहा हम यहां पर खड़ा रहेंगे तब भी इस बल्ब को जला लेंगे, मेरा ये बल्ब भी जल गया, देखे ना आपने, हम यहां खड़ा है, मैंने ये बल्ब जल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने यहां आया और इस जगह तक आ गए जहां ये बल्ब चल रहा था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ना है हमको, तो हमें इस बल्ब की जरूरत नहीं है, हमें अब ये बल्ब जलाना है, तो क्या करना होगा, हमें इस ट्यूबवेल स्विच के नोब को नीचे क्यों कर लेंगे, तो क्या होगा, मेरा ये बल्ब भी आसानी से जल जाएगा और हम यहां तक पहुंच जाएंगे। हमें यहां पर जो कुछ भी काम करना होगा इस जगह पर, हम यहां काम कर सकते हैं, अपना सामान ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें अपना काम कर लिया गोदाम के अंदर जा करके, सबसे अंदर चले गए, अपना काम भी हो गया। अब हमें गोदाम से बाहर भी तो निकलना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम यहां तक तो आए, अपना काम सारा किए, ठीक है, अब हम यहां आए, यहां आने तक मेरा ये बल्ब की रोशनी पहुंचता है दोस्तों, ठीक है ना, तो हम इस स्विच तक आ गए, इस स्विच तक। अब क्या करेंगे, हमें इस बल्ब की रोशनी को बंद कर देना है, हमें ये बल्ब जलाना है ताकि हम यहां तक पहुंच सके, ठीक है ना, तो यहां से बल्ब को स्विच को और ऊपर की ओर कर दिए, फिर से स्विच को नोब ऊपर की ओर कर दिए, तो मेरा ये बल्ब बीत गया और ये बल्ब जलने लगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आए हैं बाहर की ओर, आने लगे, बाहर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फिर यहां से आते आते हम यहां पहुंचे, ये बल्ब जो हम यूज कर रहे थे इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम आए आगे की ओर, और जैसे पहले मैंने इस स्विच को नीचे की ओर था तो ऊपर की ओर किए थे, उसके बाद फिर इस स्विच को भी हम ऊपर की ओर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां से ऊपर की ओर किए तो मेरा ये बल्ब जला, ये बल्ब बुझ गया, यानी कि बंद हो गया, दो बल्ब मेरे बंद हो चुके हैं, मेरा ये बल्ब जल रहा है। अब हमको आगे जाना है, तो हम यहां तक आ गए दोस्तों, देखिए हम इस पॉइंट तक फिर आ गए, यहां तक मेरा ये बल्ब जल रहा है, क्या करेंगे, इस स्विच को हम ऊपर की ओर कर देंगे तो मेरा ये बल्ब बंद हो जाएगा ना, और ये बल्ब मेरा जलने लगेगा, ठीक है। अब हम ये बल्ब मेरा जल रहा है, बाहर की ओर आ गया, ये बल्ब कहां लगा है, इस ट्यूबवेल स्विच के पास लगा है, हम यहां तक आ गए, ठीक है। अब हमें बाहर निकलना है, तो इस स्विच को फिर से हम ऑफ कर देंगे, अपना काम भी हो गया और सारे स्विच का कमाल भी हमने देखा, ठीक है दोस्तों। अब हम बाहर आ गए, अब मेरा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट मैंने आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा गोडाउन वायरिंग, ठीक है ना दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को देखें, उसे सीखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी हमारे वीडियो को देख करके उससे कुछ सीख सके, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।